नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश गौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरेश गौर के यूट्यूब चैनल पे। अच्छा मित्रों, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूँ मेरे नए बैच के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियोज़ में कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी, जैसे मैंने फिनेटिक्स पर की थी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पर की थी। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वर्ब्स पे। वर्ब्स की बात करें तो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में भी आपके वर्ब्स का टॉपिक है। तो आज मैं पहले कुछ देर आपसे चर्चा करूंगा वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स किस प्रकार के होते हैं। जैसे मैं हेडिंग डालूं, ये हो जाएगा वर्ब। अब इस वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा है लेक्सिकल वर्ब्स। वर्ब्स दो प्रकार के हैं, पहले हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरे हैं लेक्सिकल वर्ब्स। अब ये जो मित्रों ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल्स और हेल्पिंग होते हैं ना, इनका दूसरा नाम हम क्या रखते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो हेल्पिंग वर्ब्स। और ये जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो मेन वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स और लेक्सिकल वर्ब्स, दो प्रकार से वर्ब को बांटा जा सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम आगे बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। जैसे आप देखिएगा, पहली है प्राइमरी ऑक्सिलरी पहला था है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में मेनली तीन वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, डू, दूसरा है बी और तीसरा है हैव की फॉर्म्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन वर्ब आते हैं, कौन से, डू, बी, हैव, इनकी फॉर्म्स। अगर आप टोटल देखें तो कितनी फॉर्म हो जाएगी, डू, डिड, डस, तीन फॉर्म ये हो गई। हैव की हो जाएगी हैज, हैव, हैड, तीन ये हो गई, छह। और बी की पांच फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर। टोटल मिला के इनकी संख्या कितनी हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरीज की, ये हो गई 11। तो टोटल मिला के जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो क्या हैं, वो हैं 11। जैसे मैं इधर इधर लिखना चाहूँ प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो कौन कौन से हो जाएंगे, सॉरी, मैं लिखना चाहूं तो डू की तीन फॉर्म हो गई, डू, डिड और डस, तीन तो ये हो गए, वैसे ही हो गई हैस, हैव और हैड। छह वर्ब्स तो आपके ये हो गए ना, डू, डिड, डस, हैस, हैव, हैड। और बी की मैंने आपको बताई, बी एक विशेष वर्ब होता है जिसकी कितनी फॉर्म्स हैं, वैसे देखो तो बी की आठ फॉर्म्स हो सकती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, है। और बी, बीन, बींग, एक मात्र वर्ब जिसकी आठ फॉर्म्स हो सकती हैं वो है बी। तो बी की बेसिक फॉर्म तो ये है, बाकी अगर इसकी पांच फॉर्म देखें तो इज, एम, आर, वाज और वर। तो टोटल मिला के जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं कितने हो गए, 11 हो गए, तीन तो ये हो गए, तीन ये हो गए और पांच ये, यानी टोटल मिला के प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या हो गई 11। अब अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी की बात करें मित्रों, तो मॉडल ऑक्सिलरी की संख्या कितनी होती है, ये होते हैं 13। 13 कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आठ तो यही मॉडल हो गए, बाकी आपके हो गया मस्ट, यूज टू, ऑट टू, डेयर, नीड, टोटल मिला के हो गए 13 मॉडल्स। कौन कौन से हो गए,
जैसे मॉडल की बात करें तो मॉडल्स 13 हो जाएंगी, कैन सॉरी कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट। 8 तो आपके यही हो गए प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में, बाकी आप इसमें क्या ऐड करेंगी, ये हो गया मस्ट मीट डेयर ऑट टू और लास्ट में हो गया यूज टू। टोटल मिला के इनकी संख्या हो गई 13, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या है 11, इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, इनकी हो गई 13। अब अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज दोनों की मिला के, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने थे, ये थे 11, और मॉडल ऑक्सिलरीज ये थे 13। अब ये दोनों मिला के कितने हो गए, 11 प्लस 13, तो ऑक्सिलरीज की संख्या कितनी हो गई, टोटल मिला के ऑक्सिलरीज की संख्या हो गई 24। अब मित्रों टोटल मिला के जो ऑक्सिलरीज की संख्या है 24, इनको कहते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। आपको पता है इनको 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट क्यों कहते हैं, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इसलिए कहते हैं मित्रों, यदि आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, यदि आपको सेंटेंस को क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो आप नॉट केवल कहां लगा सकते हैं, कभी लेक्सिकल वर्ब के आगे नॉट नहीं लगता। अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको एक ऑक्सिलरी के आगे नॉट लगाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी दिया हुआ है तो उसके आगे नॉट लगाओ, और अगर ऑक्सिलरी नहीं दिया हुआ है तो टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक ऑक्सिलरी लगाना पड़ेगा और उसके साथ आपको नॉट लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इनको कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, किनको, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को और मॉडल ऑक्सिलरीज को मिला के। इनको दूसरा जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है 24 अनोमलस फाइनाइट्स, अनोमलस का अर्थ होता है नॉर्मल से अलग, अनोमलस यानी डिविएटिंग फ्रॉम द नॉर्मल, इट शुड बी डिफरेंट देन द नॉर्मल, उसको नॉर्मल से अलग होना चाहिए। तो जो नॉर्मल से अलग है वो क्या है, अनोमलस फाइनाइट्स हैं, और इन चॉइस वर्ब्स को कहा जाता है अनोमलस फाइनाइट्स। अभी तो हमने बात करें अगर ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, अगर ऑक्सिलरी में बात करें ऑपरेटर्स अगर ऑपरेटर्स की बात करें तो इंग्लिश में जो ऑपरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डू बी हैव, ये तीन ऑपरेटर इंग्लिश में कहलाते हैं। इनको ऑपरेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं, ये सेंटेंस को क्या बनाते हैं,
इंट्रोगेटिव, या नेगेटिव बनाने के काम आते हैं। ऑपरेटर्स का कहा जाता है किसको? डू बी हैव को। डू बी हैव को ऑपरेटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं। तो जो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने के काम आए उनको कहा जाता है ऑपरेटर्स। इनमें ऑपरेटर्स में से भी जो डू है, विशेषकर जो डू है, उसे डमी ऑपरेटर कहा जाता है। डमी ऑपरेटर कौन सा है? डमी ऑपरेटर किसे कहा जाता है? डू को। डमी ऑपरेटर क्यों कहा जाता है इसे, डू को? क्योंकि अगर आप सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। खाली इंट्रोगेटिव बनाने का काम आता है। वी गो देयर, डू वी गो देयर, यहां पे डू का कोई अर्थ नहीं है, केवल सेंटेंस को किस बनाने में काम आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव बनाने में काम आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए अगर अंग्रेजी में कितने ऑपरेटर होते हैं तो कितने होते हैं? तीन ऑपरेटर हैं, डू बी हैव। इनमें से किसको डमी ऑपरेटर कहा जाता है? डू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जब ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता। टोटल मिला के ऑक्सिलरीज कितने हैं? 24 हैं। उनमें से प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज की संख्या है 11। और टोटल मिला के मॉडल ऑक्सिलरीज कितने हैं? 13। तो 11 और 13 मिला के हुए 24। इन 24 को कहा जाता है 24 अनोमलस फाइनाइट्स, या फिर 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। तो टोटल मिला के हमारे ऑक्सिलरीज की संख्या हुई 24। अब मित्रों, अगर हम बात करें लेक्सिकल वर्ब्स की भी, तो लेक्सिकल वर्ब्स को भी हम मेजरली दो भागों में बांट सकते हैं। लेक्सिकल वर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स को आप बांट सकते हैं रेगुलर या वीक वर्ब्स। दूसरे होते हैं इररेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। रेगुलर या वीक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लग जाए, जिनमें भी ईडी लग जाए। वो कौन से हैं? वो होंगे जिनमें क्या लग जाए? ईडी, वो होंगे रेगुलर वर्ब्स। और जिनमें ईडी ना लगे, जिनमें ईडी नहीं लगता, वो होते हैं इररेगुलर वर्ब्स। जैसे आप देखिएगा मिस, अगर इसकी आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिस्ड। लाइक तो क्या हो जाएगा? लाइक्ड। वॉन्ट, वॉन्ट की पास्ट पार्टिसिपल में अगर आप करेंगे पास्ट फॉर्म तो हो जाएगी वॉन्टेड। तो जिनमें भी ये ईडी लग जाता है ना, वो क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब्स। और जिनमें ईडी नहीं लगता, नॉर्मली सेंट्रल वोवल साउंड चेंज हो जाता है, वो इररेगुलर वर्ब है। जैसे आप देखिएगा स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ईडी नहीं लगा, स्पोकन हो गया है ना। गो, बिल्कुल वर्ड ही चेंज हो जाएगा। वेंट, गॉन, ये इररेगुलर वर्ब हो गया ना, गो, वेंट, गॉन। राइट, रोट, रिटर्न। तो जिनमें ईडी नहीं लगता वो तो है इररेगुलर वर्ब्स, और जिनमें ईडी लग जाता है वो है रेगुलर वर्ब्स। अब मित्रों आगे बात करें, सबसे पहले
मित्रों, मैंने पिछला जो बैच किया था आपको सूचना दी थी अपने YouTube चैनल पे ही, वो बैच अब लगभग ख़त्म होने पे है, वो कंप्लीट होने पर है और मोस्ट प्रोबेबली मार्च के फर्स्ट वीक में हम सेकंड ग्रेड का नया बैच शुरू कर रहे हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली 4 से 6 मार्च के आसपास अपना नया बैच शुरू होगा, तो फर्स्ट वीक में ही मार्च के हम नया बैच शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अभी तक सेकंड ग्रेड इंग्लिश की कोचिंग नहीं की है और वो कोचिंग करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो आपके लिटरेचर का पार्ट, ग्रामर का पार्ट और मेथड का पार्ट, तीनों पार्ट हम कवर कराएंगे अगले 3 से 3.5 महीने में। आपका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा मॉर्निंग सुबह 8 से 10 बजे तक, मंगल विहार में ही है दिव्य दृष्टि क्लासेस, वहाँ पे ये क्लास चलती है। तो अगर आप में से कोई भी हो इंटरेस्ट, तो आप बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको मेरे चैनल पर सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इस टॉपिक को हम आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।